नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो अरुणा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम राशि चक्र, जिसमें हम बताएंगे आपकी राशियों का हाल, आपके भविष्य का हाल। क्या लॉटरी लगेगी, नौकरी लगेगी, विदेश जाएंगे, वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, संतान कब होगी, शादी कब होगी, क्या कोई नया साथी आने वाला है लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं नया सफर मेरे साथ, यानी एस्ट्रो अरुणा के साथ नया कार्यक्रम राशि चक्र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो अरुणा जैन। आज मैं मीन राशि वालों के लिए अप्रैल माह का राशिफल लेकर आई हूँ। अप्रैल माह कैसा जाएगा मीन राशि वालों के लिए? मीन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, मछली की तरह स्वतंत्र लोग, जलीय राशि होती है, ऐसे लोग स्वतंत्र घूमना पसंद करते हैं। इन्हें किसी प्रकार की टोका टाकी पसंद नहीं होती। जैसे मछली समुद्र में स्वतंत्र रूप से घूमती फिरती है, तो ऐसे ही इन लोगों को घूमना फिरना बेहद पसंद होता है। ऐसे लोग बेहद ही भावुक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जलीय राशि होने के कारण छोटी छोटी बातें जल्दी ही इनके मन पर असर कर जाती हैं। जैसा आपने देखा होगा कि पानी को अगर फ्रिज में रखो तो ठंडा हो जाएगा, आग पर रखो तो गर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही इन लोगों की मानसिक प्रवृत्ति होती है, छोटी छोटी बातों को मन से लगा लेना, मन मुटाव जल्दी हो जाना। वैसे तो मीन राशि के लोग झगड़े में पड़ना पसंद ही नहीं करते। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता बहस करना, किसी से उलझना, बट फिर भी ऐसे लोग बड़ी जल्दी पॉलिटिक्स में घिर जाते हैं। अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखें, अपने आप को भीड़ भाड़ वाली स्थानों से दूर रखें। आर्थिक दृष्टि से ये महीना मिला जुला जाएगा, काम का प्रेशर बढ़ सकता है, खर्चों का प्रेशर आपके ऊपर पड़ सकता है, तो सोच समझ कर प्लानिंग करके आप अपने खर्चे करें, या अपने जीवन साथी की मदद ले सकते हैं खर्चे करने में, प्लानिंग बनाने में, या अन्यथा किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से ये महीना ठीक ठाक आपका जाने वाला है। बहुत कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता, कुछ अलग से कुछ होगा आपकी जिंदगी में। सामान्य रूप से ये महीना जाएगा, बच्चों की तरफ से भी, माता पिता की तरफ से भी, बहन भाइयों की तरफ से भी। जो बच्चे मीन राशि के हैं, वे विदेश से संबंधित कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, जैसे विदेश में पढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स करने जाना चाहते हैं, या हॉस्टल में किसी दूसरे स्टेट या सिटी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये महीना ठीक रहेगा। अपने डिसीजन ले लीजिए, अपनी यूनिवर्सिटीज चुन लीजिए, अपने कॉलेज चुन लीजिए, जहाँ आपको एडमिशन लेना है वहाँ के फॉर्म भर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी मीन राशि वालों के लिए, अगर ये अपने घर से दूर पढ़ते हैं या घर से दूर नौकरी करते हैं, विदेश में जाते हैं, तो इनके लिए अच्छा रहता है। मीन राशि वालों के लिए उपाय के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर ये किसी मंदिर में घड़ा दान करते हैं, पानी से भरा घड़ा दान करते हैं, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी ब्राह्मण को कोई वस्त्र दान करते हैं, तो इनके लिए ये महीना बहुत ही सुखद परिणाम लेकर आएगा। संबंधों की दृष्टि से देखें तो कुछ नए संबंध बनेंगे, नए लोग इनके संपर्क में आएंगे। ऐसे लोग जिन लोगों को ये बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे कि अगर इस तरीके का कोई इंसान मिल जाए तो हमारा ये काम हो जाएगा, तो इस तरीके के लोग इनके संपर्क में आएंगे और इनके पुराने पेंडिंग काम बनेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों से ये लोग सामान्यतः दूर ही रहते हैं, बट फिर भी अगर कोई डेट वगैरह पड़ जाती है तो उसकी फर्दर आगे डेट पड़ जाएगी, कोई ऐसी परेशानी वाला काम नहीं होगा। और किसी भी प्रकार की आप वाहन लेना चाहते हैं, कोई घर में आप अपना चेंज करना चाहते हैं, कोई ऐसी प्लानिंग बनाना चाहते हैं जिसमें आपको सलाह की जरूरत है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारे नंबर नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और घड़े वाला उपाय करना ना भूलें, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आएंगी। जैसे घड़ा जल से भरा रहता है, वैसे ही आपका बैंक पैसों से भरा रहेगा।